नमस्कार, वीकेबी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशल एपिसोड में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जो ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हैं और इस पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रही हूँ साइबर क्राइम की। वैसे जाना सुना नाम लग रहा है, राइट? इंटरनेट का इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आजकल तो बच्चे जो हैं उन्हें इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हम खुद करा रहे हैं। नीड है टाइम की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो जो स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक टाइम था जब गलती एक्चुअली हमारी है। पेरेंट्स ध्यान से सुनिएगा, गलती हमारी इसीलिए है क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, बहुत परेशान कर रहा होता है तो उसे एक इंगेज करने के लिए हम उसे मोबाइल देते हैं। ये थॉट प्रोसेस के साथ हम उसे मोबाइल देते हैं कि कहीं बच्चा जो है परेशान कर रहा है, पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसे एंगेज करके रखें। लेकिन ये इंट्रोडक्शन आपने खुद ने अपने आप से मोबाइल फ़ोन से बच्चों को करवाया है। हमने सोचा बच्चा मोबाइल खेलेगा, लेकिन जब इंट्रोडक्शन हो ही चुका है तो ये डिवाइस एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है, जब हम इसे हाथ में लेते हैं तो कई चीज़ें पॉपअप होती हैं, कई चीज़ें हम खुद इसे रिसर्च करते हैं, राइट? हमारे पेरेंट्स मोबाइल यूज़ नहीं करते, हम उन्हें मोबाइल देते हैं कि ताकि हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। अब इंटरनेट मोबाइल फ़ोन से फ़ोन उठाने और रखने के लिए नहीं, इसमें इंटरनेट भी होता है। अब इंटरनेट पे तो ऐसी ढेरों चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो बच्चे धीरे धीरे रिसर्च करते जा रहे हैं और अब मुझे लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप हो चुका है, बहुत बड़ा गैप आ चुका है। इंटरनेट का इस्तेमाल अब बढ़ चुका है और इस तरह से होता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट जब डेवलप हुआ होगा तो निर्माणकर्ताओं ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि इंटरनेट का इतना दुरुपयोग हो सकता है। क्या है साइबर क्राइम, किस तरह के साइबर क्राइम सामने आ रहे हैं और सबसे खास आज हमारा मुद्दा जो है बच्चों पे फोकस रहेगा कि बच्चों को किस तरह इससे बचाया जा सकता है। और बच्चे जो है क्रिमिनल्स के सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करवाते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो हैं वो बच्चों को करते हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है साइबर क्राइम के API मिस्टर केशव वाघ। केशव जी, आपको सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। साइबर क्राइम ये होता क्या है? देखिए, साइबर क्राइम ये संगणक यानी कंप्यूटर और मोबाइल और इनका इस्तेमाल करने के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, इन तीनों चीज़ों से जो बनता है वो है साइबर वर्ल्ड। और इस साइबर वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हुए जो भी कानून के खिलाफ चीज़ें होती है वो है साइबर क्राइम, और यही साइबर क्राइम कहलाएगा जी। साइबर क्राइम तो एक बहुत बड़ा क्राइम है और इसमें बहुत सारे पार्टीशंस होंगे। किस तरह के साइबर क्राइम कॉमनली पाए जाते हैं? साइबर क्राइम वैसे मुख्य तौर पर देखा जाए तो एक सोशल टाइप के साइबर क्राइम रहते हैं जी, जिसमें किसी का बदनामी किया जाता है, किसी का सेक्सटॉर्शन वगैरह इस टाइप के कुछ चीज़ें किए जाती हैं वहाँ पे। और दूसरा है वो आर्थिक तरीके के नुकसान करने वाले रहते हैं, जिसमें आपका कुछ क्रेडेंशियल प्राप्त करके उससे आपके पैसे लिए जाते हैं और ठगा जाता है, वो है वो दो टाइप का जी। कहीं ना कहीं वाघ सर, आजकल एक नीड आ पड़ी है बच्चों को मोबाइल देने की, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ आ चुकी हैं और अब एक मजबूरी है। वैसे तो गलती पेरेंट्स की थी जब हम बच्चों को, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम मोबाइल दे देते थे बच्चों को चुप कराने के लिए, एंगेज कराने के, लेकिन अब वो जो है अब तो मजबूरी हो गई है, अब तो पढ़ाई करनी और पढ़ाई में इंटरनेट भी ज़रूरी है। इस पर आपका क्या टेक है? बराबर है, जैसे ये लॉकडाउन का समय शुरू हो गया उसके कारण पेरेंट्स को मजबूरी ये हो गई कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देना पड़े। और ये मजबूरी के भी पहले की भी जो मजबूरी थी, जैसे कि कोई पेरेंट्स है अपना काम कर रहे हैं और उसमें बच्चा आता है तो बच्चे को कैसा चुप कराया जाए, जैसे आपने अभी कहा कि उसको मोबाइल दिया जाता था और वहीं से वो बच्चे को मोबाइल का अट्रैक्शन हो गया है। और मोबाइल में जो भी ऐप्स बनते हैं या फिर जो भी उसका स्क्रीन बनता है वो इसी तरीके का बनाया जाता है कि बच्चे उसमें ज़्यादातर देखते ही जाए यानी यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं जी। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जैसे गेम्स वगैरह जिसके कारण बच्चे और भी उसमें अट्रैक्ट होते जाते हैं और ये अट्रैक्शन के कारण ये मोबाइल का उपयोग बढ़ गया। और ये जो मोबाइल है वो ज़्यादा इसलिए धोखादायक है
कि जैसे टीवी देखते हैं तो हम 7-8 फुट से देखते हैं, दूर के अंतर से देखते हैं, लेकिन मोबाइल जो है बहुत नज़दीक से देखते हैं बच्चे। इसलिए आपने जो ये आज का विषय रखा है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ से है, आँखों की हेल्थ से है, और ये शारीरिक हेल्थ से भी रिलेटेड है जी। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बच्चों के शरीर पे, पूरे स्वास्थ्य पे, उसके सोशल लाइफ पे अगर डिस्टर्बेंस पैदा करता है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाली पीढ़ी है उसे बर्बाद ना हो। इसलिए आपने जो आज का इनिशिएटिव लिया है इसके लिए मैं आपका सच्ची मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाघ सर, क्या लगता है जिम्मेदार हम हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि हम ही बच्चों को मोबाइल देते हैं और बच्चों को लत हमसे लगी है, और दूसरा ये कारण था कि हमने बच्चों के हाथ में मजबूरन कुछ पेरेंट्स को देना पड़ा है कि अभी वो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल ऑनलाइन ही है तो देना है। और यहीं पर ही नहीं रुकते हम लोग, उसका अगर क्लास चालू है तो हमने थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि क्या वो क्लास कर रहा है या नहीं करना है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ है, माचिस भी हम किसी के हाथ में देते हैं तो कहीं आग तो नहीं लगा रहा, ये देखना अपना काम है, हमारे हमने दिया है उसके हाथ में जी। और बच्चों को इतना समझ नहीं रहता है, इसलिए हम अगर कुछ चीज़ देते हैं उसके हाथ में तो उसका फॉलोअप लेना हमारा काम है। समझो बच्चे का क्लास अगर 10 से 12 है, 2 घंटे का क्लास है, तो 12 के बाद में बच्चा क्या उसके हाथ में मोबाइल क्या कर रहा है जी? वो कह रहा है समझो कि पढ़ाई कर रहा है उस पर, कुछ पढ़ाई कितना, आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद में हमें कुछ कुछ पेरेंट्स आके बोलते हैं कि ये जो मेरी बच्ची है रात के 12-12 1-1 बजे तक वही मोबाइल पे ही खेल रही है, मान ही नहीं रही है, मान नहीं रही है, ये तो कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, मनाना इसलिए, तो पेरेंट्स का काम है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं, यस, अगर पेरेंट्स हम हैं, हमने मोबाइल उसके हाथ में दिया है, अगर उसकी देखभाल नहीं कर रहे हम, उस पर नज़र नहीं रखे हैं, तो हम ही जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स से मुझे यही कहना है कि हम इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, डिसिप्लिन की बातें करते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, मैनर सिखाते हैं, तो ये जो मोबाइल और मोबाइल की जो लत है इससे में भी तो डिसिप्लिन मुझे लगता है हमें बनाए रखना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपना टाइम मोबाइल पे व्यतीत कर रहे हैं तो क्या नहीं आपको लगता कि बच्चा भी जो मोबाइल पे टाइम व्यतीत कर रहा है उसका दुष्परिणाम हो सकता है? वाघ सर, मैं आपसे कहना चाहूँगी, सबसे पहले मोबाइल की लत जो लगी वो लगी गेम्स से। पहले हम बच्चों को ऑफलाइन गेम्स खेलने के लिए मोबाइल देते थे, लेकिन अब जब इंटरनेट का इंट्रोडक्शन हो ही चुका है बच्चों को, तो अब बच्चे तो बहुत शातिर होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन से अलग अलग मोबाइल गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, और अब चलन आ चुका है ऑनलाइन गेम्स खेलने का। ये क्या खतरनाक साबित हो सकते हैं ऐसी कोई वारदात? क्योंकि आप तो दिन ब दिन इतने क्राइम्स देखते आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी, आपने एक सही मुद्दा उठाया है। बच्चों के हाथ में मोबाइल देने का पहले पर्पज ही देते थे उसको कुछ गेम लगा के लिए दे दिया जाता है जी। और अभी ये जो बच्चे है एडवांस टाइप के गेम खेलते हैं, बड़े जो बच्चे है, तो उस गेम में क्या रिक्वायरमेंट रहता है कि 1 घंटे के बाद में वो गेम स्टॉप हो जाता है, उसको कुछ कॉइन्स की ज़रूरत लगती है, उसको कुछ डायमंड्स की ज़रूरत लगती है, राइट, और वो परचेस करना पड़ता है। और बहुत सारे पेरेंट्स लोगों का एक कार्ड जो रहता है वो उसको अटैच रहता है मोबाइल के जो ऐप्स जहाँ से परचेस करते हैं वहीं पर अटैच रहता है जी। और ये जो अटैच रहता है तो ये बच्चे अपने आप वो कॉइन्स खरीदते रहते हैं, आगे वाले पूरे गेम्स खरीदी करते रहते हैं जी। और इसके इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रहता है इसमें, जैसे कि ये गूगल से खरीदी किया गया है, ये कोई फ्रांस इटली इधर का कोई गेम है, चाइना का गेम है जी। तो वहाँ पे जो भी पैसे जाते हैं वो ऑटोमेटिक जाते हैं, जो कार्ड से जाते हैं, इस पैसे का कोई मैसेज आपके मोबाइल पर नहीं दिखाई देता है, बस परचेस होते रहता है। जिस दिन आप अपना पासबुक लेके बैंक में पहुँचते हैं, उसको प्रिंट निकाल के देखते हैं, या फिर कभी पैसे निकालने जाएंगे अपना स्टेटमेंट आया वाला गौर से देखेंगे, तो उसमें आपको अचानक पैसे कट गए ऐसा दिख जाएगा। ओके। और ऐसे 90,000, 75,000 इतने इतने रुपए तक बच्चों ने सिर्फ गेम में उड़ा दिए हैं, और माँ बाप को तब पता चला जब उन्होंने प्रिंट निकाल के देखा उसका स्टेटमेंट का।
ये एक तरीके का ड्रॉबैक है जिसमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरा एक केस हमें अपने ही नागपुर के एक हुडकेश्वर थाने के अंतर्गत में देखने को मिला। ये जो बच्चे हैं ये अपना खुद का एक गेम खेलते हैं और कुछ दूसरे एक या दो से ज्यादा लोगों के साथ में भी कुछ गेम खेल सकते हैं कॉम्पिटिटर के साथ में। तो ये कॉम्पिटिटर के साथ में गेम खेलने का इनका तरीका क्या है? कुछ तो हारा या जीतने के बाद कुछ देना या लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बच्चे जो है इन्होंने सामने वाले जो बच्चे रहते हैं वो खासकर जो छोटी बच्चियां रहती है उनके साथ में ये गेम खेले है उन्होंने कुछ कि तुम हारोगे तो तुम ये कपड़ा निकाल के मेरे को फोटो शेयर करोगे। ओके। और ऐसा फोटो शेयर हुआ जो बच्ची हारी थी उसके साथ में राजस्थान का एक कोई अपराधी था उसने इसके न्यूड्स फोटो लिए और फिर इसी को डिमांड करने लगा कि ये फोटो मैं सबको भेज दूंगा अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो। ब्लैकमेलिंग की तरफ आ गया। तो इस तरीके की वारदातें सामने आ रही है। हालांकि उस अपराधी को हमने पकड़ के लाया था, यानी नागपुर पुलिस ने पकड़ के लाया था, उस पर पूरी कार्रवाई वगैरह हो गई थी और लेकिन तब तक तो इसके फोटो वगैरह कुछ वायरल हो गए थे एक दो जगह पे और जो सीधा उसके पिता के सामने लाए गए थे तो पिता ने हमारे सामने आके ये कंप्लेंट दिया था और उस पर पूरी कार्रवाई हो गई थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक गेम का जो चलन है इसमें और भी बहुत सारे, जैसे आपने हमने कुछ साल पहले ब्लू व्हेल नाम का गेम देखा था जिसमें बच्चों को मरना ही पड़ता था, टास्क दिए जाते थे। ये टाइप के भी गेम है जो बहुत खतरनाक है जी। और गेम एक घंटे से ज्यादा अगर बच्चा खेलता है, आधे घंटे से ज्यादा खेलता है तो उसके नजर पे, उसके आंखों पे बहुत दुष्परिणाम होते हैं। बहुत सारे पेपर्स में या चैनल्स में इसके बारे में बड़े बड़े डॉक्टर्स ने कहा है कि हाँ उनके आंखों का नेचुरल पानी जो है वो घट जाता है और जिसके कारण उनके आंखें कड़क होने लगती है, उसको कुछ अलग टाइप के आंखों के रोग होने लगते हैं जो बहुत हानिकारक है। और 16 साल के कम जो बच्चे हैं 30% बच्चों में ऐसा दिखाई दिया है कि उनको वो आंखों का प्रॉब्लम ऑलरेडी चालू हो चुका है। ओके, ये तो बहुत गंभीर मामले हैं जो आपने बताए। ये सुनकर तो आज मैंने मुद्दा ये इसीलिए उठाया है क्योंकि आजकल ये सारी चीज़ें हमेशा सुनाई देती हैं। हम अपने फ्रेंड सर्कल में कहें या फिर बिजनेस सर्कल में कहें, हर कोई ये चर्चा कर रहा है कि हमारा बच्चा इतने गेम्स खेलता है, हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता है। इसीलिए आपको इन सारी बातों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो ज़रूर आपको उस पर एक वॉच रखना चाहिए कि बच्चा इतनी देर से क्या कर रहा है। वाघ सर, आपने जैसे कहा कि पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, आर्थिक नुकसान हो जाता है, इस पर हम किस तरह से बचा जा सकता है? अगर हमारा कार्ड मोबाइल के साथ में अटैच है तो कृपा करके अपना इस्तेमाल खत्म हो गया है, कोई ऐप वगैरह खरीदी करना था आपने खरीदी किया है, इसके बाद में अपना कार्ड वहां से एक तो हटा दीजिए। दूसरा ये है कि कुछ बैंक में ऐसी फैसिलिटीज है कि कुछ बैंक के ऐप्स है कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसका बंद करके रख सकते हो, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन अगर चालू रखते हैं तो उसमें अपने आप पैसे कटने का कम संभावना रहता है। अपन इंटरनेट के थ्रू जो भी व्यवहार होते हैं उस पर आप अंकुश रख सकते हैं बैंक को एक अपना पत्र देके, और वो बंद हुआ है कि नहीं हुआ है ये पूरा खातरी करने के बाद ही आप उसको अटैच करके रख दीजिए। अगर ज़्यादा ही आपको लगता है कि हाँ मुझे हमेशा खरीदी करना ही पड़ेगा वो ऐप वगैरह, तो अगर ऐसा करते हैं तो हम बच सकते हैं। क्रेडिट खर्च करने का लिमिट भी अपन सेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे एक टाइम में सिर्फ 10,000 निकालने का ही ज़रूरत पड़ता है तो उससे ज़्यादा मैं ना निकालूँ, इसलिए मैं बैंक को बोल सकता हूँ कि मुझे 10,000 का ही क्रेडिट लिमिट दे दीजिए, अगर मैं ऑनलाइन भी खरीदी करता हूँ तो उतना ही मेरा कटना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कटना चाहिए जी। इससे ये होगा कि धड़ल्ले से आपका एक दिन में 50,000, एक दिन में 60,000 ऐसा नहीं कटेगा। और ये सिर्फ गेम के लिए नहीं, अन्य साइबर फ्रॉड भी होते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत लाभदायक हो सकता है जी। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। इसके बाद अक्सर बारी आती है सोशल मीडिया की। बच्चों ने गेम्स तो खेलना शुरू कर दिया, लेकिन अब सोशल मीडिया का चलन है। हर चीज़ लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स को बात करने का चलन है, प्रोफाइल्स मेंटेन करने का चलन है, अपने प्रोफाइल्स को अनरीचेबल तक पहुंचाने का चलन है, फॉलोअर्स बढ़ाने का चलन है। अब ये जो सोशल मीडिया है, अब ये सोशल मीडिया, पहले एक ज़माने में हम स्कूल कॉलेज के बाद हम प्रोफाइल बनाया करते थे, अब तो बच्चे भी बनाने लग गए हैं प्रोफाइल। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे जो 13 साल के अंदर के बच्चे हैं वो तो सोशल मीडिया का अपना अकाउंट बना ही नहीं सकते हैं। वो ये जो सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ पे बनाने का उम्र ही कम से कम 13 साल के ऊपर का है। लेकिन बच्चे जो है वो बहुत शातिर हो गए हैं। वो बच्चे, हमने देखा है कुछ केसेस में कि बच्चे 12 साल के या 13 साल के अंदर के हैं, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी बना लिया है, वहाँ पे वो अपने फोटोग्राफ्स डाले हैं और वो अपना उम्र बढ़ा के उन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन इसके दुष्परिणाम ये हमारे सामने आए हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों का मन बड़ा छोटा और सच्चा रहता है, उनको सारी दुनिया अपनी जैसी छोटी सच्ची लगती है। हम कहते हैं कि बच्चों को ये जो चॉकलेट आपको कोई अन्य आदमी देता है तो आपने लेना नहीं है। बोलते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। वो तो बच्चे सीख गए हैं, लेकिन बच्चों को अगर कोई बोलता है कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, लड़की को कोई बोलता है, या फिर बच्चे किसी लड़के को, लड़के के साथ में भी ये वारदात हो सकती है, उसको भी बोला जा सकता है कि तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे जूते अच्छे हैं। लड़की को बोला जाता है तुम्हारा ड्रेस अच्छा है, तुम्हारे हेयर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोल के उनको एक सोशल इंजीनियरिंग टाइप में उनको पूरा स्टडी किया जाता है और उन पे जाल फेंका जाता है मीठी मीठी बातों का। वो एक चॉकलेट देने के जैसा है। या बच्चे अगर उनको कोई नोटिस करने लगा, उनको कोई अच्छी कमेंट्स देने लगा, जो माँ बाप का अपना ध्यान ही नहीं है, बच्चे वो सोशल मीडिया पे ही गर्क है, ऐसे में वो लोग ऐसा करके उनको फंसा लेते हैं। और फिर होता है उनसे फोटो का आदान प्रदान या फिर वीडियो की डिमांड। ये जो लास्ट जो पहुंचने वाली चीज है वो उधर ही पहुंच रही है कि कैसा भी करके उनको अपने झांसे में लिया जाए। बच्चे जल्दी झांसे में आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस दिखाई दिए हैं कि एक लड़की थी, गिट्टी खदान थाने की केस है, 13 साल की लड़की थी वो, उसके माँ बाप हमारे सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची जो है रात में 1-1, 2-2 बजे तक सोशल नेटवर्किंग पे, इंस्टाग्राम पे खेलते रहती है। मैंने कहा खेलते रहती है? नहीं, देखते रहती है। अच्छा, तो देखते रहती है और हम बोलने के बाद भी वो मोबाइल रखती नहीं है। अगर माँ बाप के कहने पे रखती नहीं है तो माँ बाप ने कुछ अन्य उपाय करने चाहिए, लेकिन वो सिर्फ देखते गए, वो अपना अपना करती गए और वो बच्ची के न्यूड फोटो सामने वाले ने ही सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए ले लिए। यही नहीं, उसको कहा कि तुम्हारे बाजू वाली जो लड़की है, तुम्हारी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, उसके भी न्यूड मेरे को भेज दो। तो बच्ची ने उसके भी ले लिए फोटो और उसको भेज दिए। फिर उसको मिलने के लिए वो बोल रहा था कुछ धमकी वगैरह देके। तो
ये केस फिर हमारे सामने है, वो केस वगैरह दाखिल हो गई है, उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू है। लेकिन ये देखिए, अगर मेरा बच्चा ही गेम खेलता है इसका मुझे ही नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। ये केस में ऐसा दिखाई दिया कि पड़ोस वाले का बच्चा है, वो अगर खेलता है तो भी मेरे बच्चे भी उससे डैमेज हो सकता है। और ये जो है ये बहुत खतरनाक है, घातक है, और इससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो नस्ल है, वो बहुत एक खाई में जा रही है। Actually. इसलिए हमें उस पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरा बच्चा मानता नहीं है। उसको मनवाने के अन्य तरीके हो सकते हैं जिस पे हमने विचार करना चाहिए, नहीं तो हमें कौन सा दिन देखने को मिलेगा। वेरी ट्रू, हम सोच भी नहीं सकते। वाग सर, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जंजाल है। हम बड़े उसका हम बहुत एक एक कह सकते हैं कि एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। आजकल ये रिलेशनशिप का एक एक साइड बन गया है, यहाँ दोस्ती होती है, यहाँ मेल मिलाप होते हैं, लेकिन वो अच्छे कम और घिनौने ज़्यादा होते हैं, और इसी के हम इसे क्राइम कहते हैं। बच्चों का इंट्रोडक्शन और ये फेक प्रोफाइल्स जो है, इससे कैसे बचा जा सकता है अक्सर, क्योंकि फेक प्रोफाइल्स तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उस पर पकड़ कैसे लाई जा सकती है? देखिए, इसके लिए हमें तो एक माध्यम है, हमें करना चाहिए जन जागृति कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, बच्चों को समझाना चाहिए। और बच्चे जो फॉलो करते हैं, किसी को देख के फॉलो करते हैं, जैसे बेटी कहती कि पप्पा इज माई हीरो, और वो हीरो को बराबर फॉलो करते हैं। पप्पा अगर घर में आते ही मोबाइल अपना देखने लगते हैं, पप्पा उठते बैठते मोबाइल का स्क्रीन देखने लगते हैं, नीचे ऊपर करने लगते हैं, तो हो सकता है अपने बच्चे भी वही करें। इसलिए पहले हमें खुद से ही पहल करना चाहिए कि हम ऐसा ना करें। और सोशल मीडिया पे अगर बच्चे ज़्यादा जाते हैं तो उनको रोकने के लिए हमने कुछ तरीके अपनाना चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि भाई आप पढ़ाई के लिए आपको मोबाइल दिया है, ज़िम्मेदारी से दिया है, उनको ज़िम्मेदारी समझाना चाहिए और उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और वो होने के बाद में उनसे मोबाइल अपना ले लेना चाहिए। और फिर ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को कुछ ऐप्स में चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं। अच्छा, जिसमें वो ऐप खोल नहीं सकेंगे बच्चे, ऐसा अपन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप आ गए हैं चाइल्ड लॉक बोल के, आप अगर ढूंढेंगे तो उससे अपने मोबाइल के अन्य ऐप जो है उसको ऑटोमेटिक लॉक लगेगा, सिर्फ पढ़ाई का जितना है उतना ही खोलेगा, उससे ज़्यादा नहीं खोलेगा। ओके, ये अपन कर सकते हैं। या फिर बच्चे पढ़ाई के बाद में क्या कर रहे हैं, अपन ये देख सकते हैं कि वो सर्च हिस्ट्री में उसने क्या क्या सर्च किया है, देखना चाहिए। क्या वो अन्य कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा है पढ़ाई के व्यतिरिक्त, और जा रहा है तो हमने उसे समझाना चाहिए कि ये इसके लिए हमने मोबाइल नहीं दिया है। ये अगर हम स्टेप्स लेते हैं तो बच्चों पे थोड़ा वॉच रख सकते हैं और उनको अन्य आपराधिक घटना होने से बचा सकते हैं। जी सर, जब ऑनलाइन स्टडी शुरू हुई थी तो हमने भी एज एन पेरेंट नोटिस किया कि जब लिंक्स शेयर हो रही थी तो बच्चों को उतना नहीं समझ आ रहा था कि इसे किस तरह ऑपरेट किया जाए। धीरे धीरे पेरेंट्स ने उस चीज़ों को करना शुरू किया, लेकिन अब धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो सारी चीज़ें सीख चुके हैं, अपनी जो स्कूल की लिंक्स हैं वो समझता है उन्हें किस तरह से उन्हें ऑपरेट करना है, किस तरह से ओपन करना है। अब ये लिंक्स जो हैं, ये जब आपसे बात हुई तो आपने कहा कि लिंक्स भी शेयर होती हैं, इसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बराबर है, अभी वेबिनार्स या उनके जो क्लासेस रहते हैं बच्चों के, वो एक लिंक दिया जाता है कि ये लिंक जो है वो स्कूल के ग्रुप पे डाली जाती है और उसको खोल के बच्चे अपना क्लास करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है ये लिंक किसी अन्य जगह पे शेयर कर देते हैं, और स्कूल की लिंक ऐसा दिखाई दिया है हमारे पास, कुछ केसेस आई है कि वो स्कूल के जो क्लास है, क्लास में कुछ दूसरे ही लोग घुस गए। अच्छा। जो उस क्लास से संबंधित ही नहीं है, और उन्होंने कुछ ऐसी गंदगी वहाँ पे की, किसी को गाली गलौज करना, किसी को अभद्र शब्द बोलना, कुछ गंदी फोटो वहाँ पे शेयर कर देना, ऐसे भी किस्से दिखाई दिए है जिसके कारण वो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो गया। वहाँ की बच्चियाँ और मैडम लोग जो है वो शर्मिंदा होकर वो हमारे पास में आ गए थे। इसलिए हमारा बच्चे जो लिंक दिया जाता है बच्चों को, वो लिंक किधर शेयर ना हो इसके बारे में पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है। और स्कूल जो और या कॉलेजेस जो है उन्होंने भी अपना लिंक सिक्योर करके रखना चाहिए कि भाई हाँ मेरे इसमें जो आएगा
वो हमारे परमिशन से ही आएगा। अगर कोई आता है तो, अगर कोई ऐसा कोई बात करता है तो उसको डिसेबल करने का सारा कुछ वो ऐप्स में, वो वेब के जो भी आप यूज कर रहे हो वेबिनार के लिए, उसमें सब रहता है। उस पर ध्यान देना जरूरी है और बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि लिंक किसी को शेयर नहीं करना है। स्कूल का लिंक है, सिर्फ आपके लिए है, आप ही इस्तेमाल करो, दूसरे को शेयर मत करो। जी, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सी चीज़ों पे हम लोग लॉक लगा सकते हैं, और कहीं ना कहीं अब जैसे हमारे मोबाइल्स होते हैं, हमारे मोबाइल्स पे हम बहुत तरीके के काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी सर्च हिस्ट्री होती है, ये सर्च हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसे मैं दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम ये इस भ्रम में रहते हैं कि हमारी सर्च हिस्ट्री दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गूगल पे जाएं और टैप कीजिए तो जितनी भी 500 सर्च हिस्ट्री रही होगी पास्ट में, वो सारी दिख पड़ती है। और अगर बच्चा आपका मोबाइल तुरंत आप देते हैं अपने बच्चों को मोबाइल, और वो अगर सर्च हिस्ट्री में जाता है तो मे बी ऐसा कुछ इनअप्रोप्रिएट हो सकता है जो वो क्लिक करें और उन्हें इन चीज़ों का जो है वो खुद ब खुद दिखाई पड़े। ऐसे में इन सारी चीज़ों से कुछ एप्लीकेशंस हैं सर, और कुछ सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उन्हें बचा सकते हैं, तो हम कैसे करें? क्योंकि मोबाइल तो हमें देना है, मोबाइल देना एक ज़रूरी चीज़ हो गई है, तो हम ये सारी चीज़ों को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत सारे जब मोबाइल हमारे सामने आते हैं तो उसमें बहुत सारा हिस्ट्री ऐसे खुला ही दिखाई देता है उसमें, और उसमें बहुत सारे विंडोज खुले वाले रहते हैं, और जो ऐसी कुछ बातें रहती है जैसे बच्चों ने नहीं देखना चाहिए, कुछ पेरेंट्स रहते हैं सर्च करते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन यही मोबाइल वो अगर हमारे हाथ में देते तो हो सकता है यही मोबाइल उनके बच्चों के भी हाथ में जाता होगा, और उसके पॉपअप्स जो है वो एक अलग साइड पर लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने ध्यान रखना चाहिए। और ये ध्यान हम रखने के लिए हमारा हिस्ट्री जो है मुझे लगता है कि वो क्लियर करते रहना चाहिए। अगर कुछ ऐसा देखा गया है आपसे तो फिर ये उनके सामने नहीं खुलेगा, या फिर इनकॉग्निटो बोल के एक उसी में सर्च करने के लिए एक छोटा सा विंडो रहता है, उसका इस्तेमाल करके अगर कुछ आप सर्च करते जो हर किसी ने नहीं देखना चाहिए ऐसा आपको लगता है, उसमें जाके सर्च करना चाहिए, तो फिर ये इसके पॉपअप्स वगैरह आपके सामने नहीं आएंगे जी। और ये इसका ख्याल रखना बड़े लोगों का काम है जी, ताकि बच्चों के सामने कुछ गलत चीज़ें सामने न जाए जी। वक्त से जाते थे एक बहुत ही बड़ा सवाल जो शायद पेरेंट्स ये देखते रहते अब उनके दिमाग में आया होगा कि बच्चे जो आप बार बार जो कह रहे हैं कि जब पेरेंट्स ऐसी कंप्लेंट लेकर आते हैं तो कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे हमारे मोबाइल छोड़ते नहीं हैं। अब इन वर्चुअल दुनिया से अगर उसे अलग करना है या थोड़ा दूर करना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे कुछ केसेस हमारे सामने हैं कि बच्चे मोबाइल रात में 12-12 बजे तक देखते रहते हैं, 1-1, 2-2 बजे तक देखते रहते हैं। यही नहीं तो बच्चों के हेल्थ जो है, बच्चे मोटे हो गए, वो खेलते नहीं अभी, उसकी उनकी आंखें कमजोर हो गई है। हमारे देश की आने वाली पीढ़ी जो है वो कमजोर पीढ़ी हो रही है, और इस पे ध्यान देना हम सबका कर्तव्य है। क्या कर सकते हम? ऐसा मुझे, मेरे घर में भी बेटे हैं, बेटी है, तो पहले मैंने खुद से ही इसका एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया था कि इसको बच्चों को मोबाइल तो देना पड़ रहा है लेकिन इनका आदत ना लगे इसलिए, और ये सारा दुष्परिणाम देखते हुए कि क्या हम सवेरे जल्दी उठ सकते हैं, क्या हम उनके साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं, क्या हम उनके साथ में कुछ कहानियां वगैरह उनको बता सकते हैं? जैसे हमने सुना है कि जीजा माता शिवाजी महाराज को अच्छी कहानियां सुनाया करती थी, रामायण महाभारत की, तो इनके कारण उनका एक मन मस्तिष्क बन गया था जी। एक कहानी ऐसी भी सुनाई दी, मैंने सुनी थी कि एक बहुत बड़े विद्वान आइंस्टाइन, उनको किसी ने पूछा था कि आपके जैसा विद्वान बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि आपको कहानियां सुननी चाहिए, उससे भी ज्यादा अगर विद्वान बनना है तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि और कहानियां सुननी चाहिए थी। तो मेरे दिमाग में अगर ये बातें हैं तो मुझे कहना चाहिए, मुझे लगता है कि उन बच्चों को कहानियाँ सुनाना चाहिए, वो भी चलते चलते अपन कहानियाँ सुना सकते, ज़रूरी नहीं कि हमें हर कहानी याद हो, हम कुछ कहानियाँ पढ़ के भी उनको सुना सकते हैं जी। बहुत सारी कहानियाँ हैं अगर हम देखें तो,
अगर अच्छी कहानियाँ बच्चों को सुनाएंगे और कुछ दिन के बाद में उनसे भी कुछ कहानी सुनेंगे, उनको कोई किताब ला के दे दो आप, उनसे अच्छी कहानी सुनो, वो पहले गलती करेंगे फिर उनको आप समझा दो, एक मज़ा आएगा, बच्चे का एक्सरसाइज भी हो रहा है, उनकी कहानियाँ भी बन रही है, वो बता सक रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सक रहे हैं, और ये समाज में जाके आगे चल के इनका मन मस्तिष्क बन रहा है, एक बहुत अच्छी पीढ़ी बनेगी। और शाम के समय आप उसको कोई एक आधा गेम लगा सकते हो या फिर सवेरे भी कोई गेम लगा के दे सकते हो, बहुत सारे गेम्स रहते हैं, स्केटिंग रहता है, कराटे रहता है, जो भी आपको कला आती है, हम इतने बड़े रहते हैं तो हमें जो भी कला आती है, मुझे चित्रकारिता आता है, मैंने चित्रकारिता सिखाना चाहिए, कायदा आता है, जो भी आता है, हम बहुत सारे छोटे बच्चों की बड़े बड़े करतब देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इतनी सारी हाई लेवल की बातें करते हैं, किसी को कोई बहुत बड़ा चाणक्य कहलाता है, कोई छोटा बच्चा 6 साल का, तो हमारा बच्चा क्यों ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन हमने उन पे ध्यान देने के बाद ही होगा। और ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे सोते नहीं है वो खेल कूद के बाद अपने आप उनको नींद आ जाएंगे। बच्चे खाना खाते नहीं, उनको हम मोबाइल दे देते कि तू इतना खाना खा ले, मैं ये मोबाइल देख, मोबाइल देखते देखते खाना खा, ज़रूरत नहीं है, उसको ले जाके थोड़ा सा खेल खेलने के लिए लगा दो, वो कोई क्लास में अगर छोड़ देते हैं हम कि हाँ आप खेल लो, स्केटिंग खेलो, स्केटिंग खेलने के बाद थक के आएगा तो बराबर खाना खाएगा और उसको नींद भी बराबर लगेगी, ये मोबाइल के ये टैब के वगैरह चोचले देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो पीढ़ी है इसको बचाना है, उनके मन स्वास्थ्य शरीर को बचाना है, तो हमें उनको स्क्रीन से, मोबाइल से, इंटरनेट से थोड़ा दूर रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वाग सर, दिस वॉज सच एन इन्फॉर्मेटिव सेशन, एंड मैं सीरियसली पेरेंट्स से ज़रूर दरख्वास्त करना चाहूँगी, दिल से दरख्वास्त करना चाहूँगी। आई नो कि आप लोग बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, बहुत सी चीज़ें हैं, वी आर सो मच करियर ओरिएंटेड, वी हैव सो मैनी गोल्स टू अचीव, लेकिन बच्चे भी हमारी जिम्मेदारी हैं, अगर इन जिम्मेदारियों को हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसका मिसयूज़ करना डेफिनेटली बहुत गलत है। बच्चे जो हैं आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा एक उनका फ्यूचर होने वाला है, हर कोई अगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आगे निकलेगा तो मुझे नहीं लगता कि जो ये डिफरेंट जो हमारे एक जो जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, जैसे कि सर ने कहा कि आइंस्टाइन हो गया, इतनी सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में एक नाम कमाया है, वो तभी कमाया है जब उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद योर किड्स, डू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, डू स्टार्ट टॉकिंग विद देम, क्योंकि हम ना हमेशा ये फ़ोन जो है ना इसमें फंस चुके हैं। फ़ोन तभी इस्तेमाल करें जब आप काम में होते हैं, फ़ोन तभी इस्तेमाल करें जब आपके पास थोड़ा समय होता है, लेकिन कुछ समय आप अपने बच्चों के साथ अगर बिताना शुरू कर देंगे, हम आपको याद है हम जब छोटे थे तो हमने दादी और नानियों के पास क्यों बैठा करते थे, क्योंकि हमें उनसे कुछ नई नई चीज़ें पता कर होती थी, कुछ नए नए किस्से समझ में आते थे। तो ये जो किस्से हैं ना उनको इंटरनेट से ना पता चलें, वो किस्से आपके मुँह से पता चलें तो बेहतर होगा। स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद योर किड्स, एक गैप जो है ना उसे प्लीज़ फुलफिल करें, ये गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। और अब तो आप देखिए कि कोविड ने एक अलग ही सिनारियो बना रखा है, कोविड ने तो अभी हमें अपनों का ख्याल रखना सिखा दिया है, तो क्यों ना हमें कोविड लॉकडाउन के टाइम भी हमने अपनों के साथ समय बिताया था, उनके साथ हमने कितनी चीज़ें शेयर की थी, एक नया वातावरण क्रिएट किया था, हम फैमिली में बैठ के खाना नहीं खाते थे, वो हमने शुरुआत की। दो आई थिंक कि आपको अपनों के साथ और खासकर बच्चों के साथ समय बिताने की बहुत ज़रूरत है, फिर बाद में ये शिकायत न कीजिएगा कि अगर कुछ हुआ है तो बच्चा हमारे पास नहीं अपने दोस्तों के पास जाता है। मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक ले दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।